नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में किन्नरों को रोते हुए देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ, साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में किन्नरों को रोते हुए देखना एक अशुभ संकेत देने वाला सपना माना जाता है। जी हाँ दर्शकों, यह एक परेशानी की बात है कि यदि आप सपने में किन्नरों को रोते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके लिए एक अशुभ संकेत देने वाला स्वप्न है। यह स्वप्न देखना इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दर्शकों, यह स्वप्न किसी परेशानी के आने का सूचक होता है। यह सपना एक बिल्कुल भी अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता। यदि आप ऐसे स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी यह दुख या परेशानी आने का संकेत हो सकता है। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बता सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप इस सपने को शेयर करेंगे, बताएंगे, उतना ही जो इसका अशुभ परिणाम है वह कम हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकें। अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त हो जाएगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त हो जाएगा। यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, अब मैं यदि बात करूं कि आपको उपाय स्वरूप क्या करना चाहिए, तो आपको शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात ही आपको यदि कोई किन्नर दिख जाए तो आपको उसे दान अवश्य ही देना चाहिए। आपको उसे किसी भी तरीके के सिक्के पैसों का दान करना चाहिए और उसके फल स्वरूप यदि वह किन्नर आपको कोई भी सिक्का दे देता है तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि किन्नरों द्वारा मिले गए पैसे को अपने पास रखने से आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें आती हैं। इसलिए यदि आपको कोई भी किन्नर कोई सिक्का दे रहा हो तो आपको उसे उससे अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि वह आपके भाग्य में वृद्धि करेगा ही करेगा। तो यदि आपने ऐसा स्वप्न देखा है तो निश्चित रूप से आप को परेशानी हो सकती है, किंतु अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बरसती रहे। राधे राधे। कोई भी परेशानी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए।